माना कि आप बरगद और पीपल से विशाल नहीं है, मगर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 19 फरवरी के करंट अफेयर पर। देखिए, आज इस वीडियो में टोटल हम 15 करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आप पूछाएंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों का जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर के PDF लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर सेशन द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, ये राज्य आपका कर्नाटक है। और अगला था कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। और अगला था कि निम्नलिखित में से किसे 2018 का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो देखिए, इनका नाम है डी गोएडे और वेन डोरेन। और देखिए, अगला था कि हाल ही में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नाइक ने दिल्ली में आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। तो देखिए, इस वेब पोर्टल का नाम है ई औषधि। और देखिए, अगला था कि हाल ही में किस स्थान पर प्रथम ला एसोसिएशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए, यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को फुटबॉल दिल्ली के द्वारा पहले फुटबॉल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है सुनील छेत्री। तो देखिए, इस बार का ये पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार है जो कि फुटबॉल दिल्ली एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो फिर से बता देता हूँ कि सुनील छेत्री को अभी हाल ही में फुटबॉल दिल्ली के द्वारा पहले फुटबॉल रत्न पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और देखिए, जो आपके सुनील छेत्री, इनके बारे में खास बातें हैं, इनको जो है कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। और सबसे विशेष बात यह कि इन्होंने सक्रिय खिलाड़ियों, देखिए जो वर्तमान में भी खेल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो सक्रिय खिलाड़ियों के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद जो है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दूसरे सबसे अधिक गोल किए हैं। तो आपको खास बात याद रखनी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद जो है दुनिया में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी आपके हैं सुनील छेत्री। ठीक है, ये सक्रिय खिलाड़ियों की बात हो रही है जो अभी खेल रहे हैं, संन्यास जो ले लिया उनकी बात नहीं हो रही है। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बन गई हैं। तो देखिए, इनका नाम है हीना जायसवाल। और ये प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको जो है नोट कर लीजिए कहीं अलग से। फिर से बता देता हूँ, हीना जायसवाल जो है ये भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं। और देखिए, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, और ये जो है आपकी चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और देखिए, एक खास बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद ठीक है इन्होंने बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन से जो है फ्लाइट इंजीनियर का कोर्स पूरा किया, और फिर बाद में इनको अपॉइंट कर दिया गया। तो ये जो है पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई, और इनकी जरूरत जब भी पड़ेगी भारतीय वायुसेना में जहाँ भी पड़ेगी अब उनको जो है भेजा जाएगा। तो हीना जायसवाल जो है इनको जरूरत पड़ने पर अब सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों से अंडमान के सागर में वायुसेना की ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर यूनिट पर भी जो है इनको अपनी सेवा देने के लिए भेजा जा सकता है। तो आपको ये सभी विशेष बातें इनके बारे में याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है कि हीना जायसवाल जो है भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं। और तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार, इसका नाम है मार्टिन एनरल्स अवार्ड 2019। तो देखिए, जो आपका मार्टिन एनरल्स अवार्ड 2019 है, इससे सम्मानित किया गया हाल ही में अब्दुल अजीज मोहम्मद को। देखिए, खास बात है कि पपुआ न्यू गिनी में मानुस द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया निरोध केंद्र में 5 वर्ष बिताने वाले जो आपके ये सूडानी शरणार्थी हैं, जिनका नाम है अब्दुल अजीज मोहम्मद। ठीक है, तो इनको जो है ऑस्ट्रेलियाई सरकार की बहुत क्रूर शरण साधक नीति को उजागर करने के लिए जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में मार्टिन एनरल्स अवार्ड 2019 दिया गया है हाल ही में। और देखिए, यहाँ पे एक सबसे विशेष और बेसिक पॉइंट याद रखना है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था का ये जो मार्टिन एनरल्स पुरस्कार है यानी कि अवार्ड है, ठीक है, इसको जो है मानव अधिकारों के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और देखिए, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था की। देखिए, जो आपका ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, और इसका जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है ये इसकी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी की एक शाखा है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल।
और देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय आपका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और चौथा प्रश्न है कि सिंपलिसिटी एंड विजडम पुस्तक किसने लिखा है, तो देखिए जो आपका ये सिंपलिसिटी एंड विजडम पुस्तक है इसको लिखा है दिनेश शहरा ने। और खास बात यह है कि हाल ही में कुंभ मेले में परमार्थ आश्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी और परमार्थ आश्रम के प्रमुख जिनका नाम है स्वामी चिदानंद सरस्वती, तो इन दोनों के द्वारा जो है दिनेश शहरा द्वारा लिखित इस पुस्तक जिसका नाम है सिंपलिसिटी एंड विजडम को जो है लॉन्च किया गया है। और देखिए एक खास बात और है इस पुस्तक के बारे में, देखिए ये पुस्तक जो है ये स्वर्गीय वेदांति स्वामी प्रज्ञानंद जी को समर्पित है और इस पुस्तक का उद्देश्य जो है ये संत ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना है। तो इस पुस्तक के बारे में ये विशेष बात याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि सिंपलिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक हैं दिनेश शहरा। और देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक लर्निंग ऐप जिसका नाम है इन्फीटीक्यू लॉन्च किया है, तो देखिए इस ऐप को लॉन्च किया गया हाल ही में इन्फोसिस के द्वारा। और देखिए जो आपकी ये इन्फोसिस कंपनी है इसने जो ये इन्फीटीक्यू ऐप लॉन्च किया है इसकी क्या खास बात है, देखिए ये जो है मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध है और दोनों पर ये काम करेगा। और देखिए जो आपका ये ऑनलाइन मुफ्त प्लेटफॉर्म है इन्फीटीक्यू, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बनाया गया है, इसके माध्यम से छात्र जो है डिजिटल कौशल के निरंतर हस्तांतरण के माध्यम से कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। तो ये खास बात याद रखना है इन्फीटीक्यू ऐप के बारे में, इसको लॉन्च किया है इन्फोसिस ने हाल ही में। और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश से आयात होने वाले सभी माल पर सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ा दिया है, तो देखिए ये देश आपका पाकिस्तान है। तो आपको याद रखना है सरल शब्दों में कि अभी हाल ही में भारत ने जो है पाकिस्तान से आयात होने वाले जितने भी माल हैं जैसे कि खाद्य सामग्रियां हैं और अखाद्य सामग्रियां, ठीक है, उन सभी पर सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ा दिया है। और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारिशियो मैक्री की 3 दिवसीय भारत की यात्रा के दौरान 18 फरवरी को कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, तो देखिए इन समझौते ज्ञापनों की संख्या टोटल 10 है, ठीक है। तो अर्जेंटीना की जो राष्ट्रपति हैं मारिशियो मैक्री, इनकी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान 18 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और इनके बीच में, ठीक है, टोटल 10 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और देखिए जो आपके ये 10 समझौते हुए इनके बारे में आप जो है अभी वीडियो को यहीं पर रोक के जान लीजिए, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा तो कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 से 10 तक आप जो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और देखिए आज मैं एक काम करूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो उस पर क्लिक करके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो है मैं आज का जो करंट अफेयर है उसकी PDF डाल दूंगा, तो आप जो है इन 10 समझौते ज्ञापनों के बारे में पढ़ लीजिएगा वहाँ से भी। तो अभी जो है स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लीजिए, बाकी जो है तब भी पढ़ लीजिएगा आप PDF को डाउनलोड करके। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। देखिए अर्जेंटीना जो है ये आपका एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश है और ये कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और देखिए अर्जेंटीना की प्रेसिडेंट है मारिशियो मैक्री, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनर्स आयर्स, अर्जेंटीना की करेंसी यानी कि मुद्रा है अर्जेंटीनी पेसो। और देखिए आठवां प्रश्न है कि ईरानी कप 2019 का खिताब किसने जीता है, तो देखिए ईरानी कप 2019 का खिताब जीता है विदर्भ ने, और विदर्भ ने ये खिताब जीता है शेष भारत एकादश को हराकर। और देखिए खास बात यह कि जो आपका ईरानी कप 2019 है ये क्रिकेट से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ईरानी कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ईरानी कप जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है और ये जो है घरेलू क्रिकेट से संबंधित, ठीक है, यानी कि इंडिया में ये लोकल जो टीमें होती हैं वो खेलती हैं इसमें। तो विदर्भ ने जो है इस बार 2019 का ईरानी कप का खिताब शेष भारत एकादश को हरा कर जीता है। और जो आपका ये ईरानी कप है इस बार इसका फाइनल मैच नागपुर के जामथा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और एक विशेष बात यह कि 2018 में भी विदर्भ ने ही ईरानी कप जीता था। और एक विशेष बात और आपको याद रखनी है कि कर्नाटक और मुंबई के बाद विदर्भ जो है ये तीसरा ऐसा टीम बन गया है भारत का जिसने लगातार 2 बार जो है ईरानी कप का खिताब अपने नाम किया हो, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। और देखिए नौवां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्कर नामांकित फिल्म डाउनफॉल में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की भूमिका के लिए प्रसिद्ध किस अभिनेता का निधन हो गया है, तो देखिए इनका नाम है ब्रूनो गैंज। तो देखिए सरल शब्द में बता देता हूँ, देखिए जो आपकी ये ब्रूनो गैंज है, ठीक है, ये आपके जो है एक अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये चर्चित के लिए थे, देखिए एक फिल्म थी जो कि ऑस्कर के लिए नामांकित थी, इसका नाम था डाउनफॉल, तो डाउनफॉल में इन्होंने जो है जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की भूमिका अदा की थी, तो इसीलिए जो इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। और देखिए जो आपके ये फिल्म अभिनेता है ब्रूनो गैंज, ये आपके स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे और इनका भी हाल ही में 77 वर्ष की आयु में
कर्नल कैंसर के कारण स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में निधन हुआ है। और देखिए 10वां प्रश्न है कि किस देश में नए कानून संशोधन के तहत यहाँ के स्कूलों को अपने फॉर्म में माँ और पिता के स्थान पर पेरेंट वन और पेरेंट टू लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए ये देश आपका फ्रांस है। तो फिर से बता दूं कि फ्रांस में जो है अब स्कूलों में ठीक है एडमिशन के समय या फिर किसी भी काम में जो आपका फॉर्म होता है ठीक है, तो फॉर्म भरते समय वहाँ पर जो माता और पिता का कॉलम होता है तो माता और पिता का कॉलम जो है अब गायब कर दिया गया फॉर्म में। अब वहाँ पर जो है पेरेंट वन और पेरेंट टू का कॉलम दिया गया है। और ये निर्णय क्यों लिया गया है वहाँ पे, देखिए ये कदम जो है ये समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ जो है भेदभाव को रोकने के लिए किया गया है। तो देखिए आज का ज़माना काफ़ी मॉडर्न हो गया है, अब जो है लड़के लड़कों से शादी कर ले रहे हैं, लड़कियाँ लड़कियों से शादी कर ले रही हैं। यानी कि वो आपने गाना सुना होगा, बस यही अपराध बार बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो वो गाना जो है आज सार्थक हो गया है, अब आदमी आदमी से शादी करने लगा है और औरत जो है ये औरत से शादी करने लगी है। तो समलैंगिक विवाह इसको हम कहते हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़की से शादी करती है तो उसको हम कहते हैं समलैंगिक विवाह, और कोई लड़का अगर कोई किसी लड़के से शादी करता है तो उसको जो है हम समलैंगिक विवाह कहेंगे। तो ये खास चीज़ याद रखिएगा, समलैंगिकता क्या होती है आपको बताने के लिए मैंने ये गाना गाया था। बस देखिए आपको अभी क्या रखना है कि जो आपका फ्रांस है ठीक है, तो यहाँ पर जो है नए कानून संशोधन के तहत यहाँ के स्कूलों को अपने फॉर्म में माता और पिता के स्थान पर अब पेरेंट वन और पेरेंट टू लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये कदम जो है समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए किया गया है। और इस संशोधन के तहत जो है अब 3 साल के जितने भी बच्चे हैं तो उनको जो है स्कूल जाना अनिवार्य भी किया गया है। ये खास बातें आपको याद रखनी है। और देखिए 11वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्नदाता सुखी भव योजना 2019-20 की घोषणा की है हाल ही में, जिसके तहत 5 एकड़ से कम जमीन वाले जितने भी किसान हैं आंध्र प्रदेश राज्य में ठीक है, तो उनको जो है कितने हजार रुपए दिए जाएंगे। तो देखिए ये अमाउंट बहुत ही खास है, ये अमाउंट आपका 9,000 रुपये है। तो इस चीज़ को मैं सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका ये अन्नदाता सुखी भव योजना 2019-20 है, ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की योजना है और इसकी घोषणा भी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा की गई थी। और अन्नदाता सुखी भव योजना 2019-20 की खास बात यह है कि इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के जितने भी किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं उनको जो है प्रत्येक किसानों को 9,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये खास बात याद रखनी है। और आंध्र प्रदेश के सारे फैक्ट जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए आप। और देखिए 12वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित स्टार लाइट कापर प्लांट को दोबारा खोलने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया है। तो देखिए जो आपका ये स्टार लाइट कापर प्लांट है आपका तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु के तूतीकोरन में आपका ये स्टार लाइट कापर प्लांट स्थित है। और देखिए अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं कि इस स्टार लाइट कापर प्लांट को बंद क्यों किया गया था और कब बंद किया गया था। तो देखिए मई 2018 की बात है, प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद जो तमिलनाडु की सरकार इसने मई 2018 में तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्थित वेदांता समूह के इस स्टार लाइट कापर प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था। तो अब जो है इसको फिर से शुरू करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और देखिए 13वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में किस कारण से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकाल घोषित किया गया है। तो देखिए ये कारण आपका है मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार का निर्माण। देखिए जो आपकी अमेरिका की सीमा ये मैक्सिको के साथ लगती है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैक्सिको की सीमा पर जैसे कि चीन की दीवार है तो उसी प्रकार की एक दीवार बनाई जाए जिससे जो आपके अवैध आवर्जक हैं जो कि अमेरिका में गलत तरीके से प्रवेश कर लेते हैं उन पर रोक लगाई जा सके। तो संसद में काफ़ी विरोध हुआ तो उसके बाद इन्होंने पहले ही चेताया था, तो अब जो इन्होंने कर भी दिया, अब इन्होंने जो है इसीलिए आपातकाल की घोषणा कर दी है अमेरिका में। और देखिए अगला प्रश्न आपका है कि पुलवामा हमले के बाद भारत के किस नगर के उद्यमियों ने पाकिस्तान से चमड़ा न खरीदने का फैसला किया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है आगरा और ये ताजमहल के लिए फेमस है और यहाँ पे पेठा भी काफ़ी फेमस है और यहाँ पर देखिए जूते काफ़ी बड़ी मात्रा में बनते हैं और इसके लिए जो है चमड़े मंगाए जाते हैं पाकिस्तान से भी। तो पाकिस्तान से अब जो है चमड़ा नहीं खरीदने का फैसला किया है जो आपके आगरा के जितने भी उद्यमी हैं इन्होंने, और ये जो है इन्होंने निर्णय लिया है पुलवामा हमले के बाद में ठीक है। और देखिए एक खास बात और है, आगरा की कुल जो लेदर खपत है इसका जो 25% चमड़ा है ये पाकिस्तान से आता है लेकिन अब जो है नहीं आएगा। और देखिए 15वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ई टूरिस्ट वीज़ा व्यवस्था कितने देशों के लिए लागू की गई हाल ही में। तो देखिए इन देशों की टोटल संख्या 166 है और इन देशों की संख्या आपको याद रखनी है। तो फिर से बता दूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई ई टूरिस्ट वीज़ा व्यवस्था जो है अभी हाल ही में टोटल 166 देशों के लिए लागू की गई है।
और देखिए जो आपका ये नया वाला ई टूरिस्ट वीजा व्यवस्था है, इसके तहत अब ई पर्यटक और ई व्यापार वीजा के तहत भारत में प्रवास की जो अवधि होगी ये ठहरने की शर्तों के अनुसार मल्टीपल एंट्री साइज जो है अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये थे आपके आज के 15 करंट अफेयर और अब हम बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 5 में से कितने प्रश्न आए हुए हैं। देखिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि 83वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता, इसका आंसर बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है, इसका उत्तर बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे, इनका क्या नाम है, नाम बताइए इनका। अगला प्रश्न आपके लिए कि सऊदी अरब के प्रिंस 19 फरवरी को भारत के पहले आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं, इनका क्या नाम है, इनका नाम भी बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में मेट्रो की आधारशिला रखी, इसका उत्तर बताइए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर और आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए जितने भी क्वेश्चन अपडेट मैं पूछता हूँ वीडियो के लास्ट में उनको आप जो है तुरंत रिवाइज कराइए कि पिछले दिन का करंट अफेयर देख के, तो ये काम आप कर लिया कीजिए। और देखिए इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जरूर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे इन सभी चीज़ों की लिंक आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, तो इस पर क्लिक करके आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।